दोस्तों, वेलकम बैक। आपका दिव्या एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्पोकन इंग्लिश के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस रटने की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ समझकर पढ़ने की जरूरत है। आप फ्रेजेस इडियम एंड फ्रेजेस मीनिंग के साथ समझकर पढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना। आप सभी जानते हैं कि हाथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैंड, पर को ऑन और बैठे रहने को सिट। सीट, सीट का अर्थ होता है टेक नो एक्शन, टेक नो एक्शन। जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो वहाँ पर ये मुहावरा सूट करता है। हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने का अर्थ है कोई काम नहीं करना। यहाँ पर कोई, जब आप काम नहीं करते तो क्या बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर याद रखिए बैठे रहने का इंग्लिश क्या है, सीट। सीट ऑन वंस हैंड्स, सीट ऑन वंस हैंड्स। हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना। जब भी आपको ये फ्रेजेस आए तो आपको माइंड में याद आना चाहिए सीट। सीट कहीं किसी भी सतह पर बैठते हैं तो आप ऑन, किसी सतह पर बैठना तो सीट ऑन वंस हैंड्स। हैंड्स हाथ पर हाथ, हाथ पर हाथ यहाँ पे दो बार दिए हैं, हाथ हाथ, तो हैंड्स हुए, हैंड नहीं बोलेंगे, हैंड्स। तो आपको फ्रेजल अच्छे से याद हो गई होगी, सिट ऑन वंस हैंड्स। हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना, सिट ऑन वंस हैंड्स। कुछ ही क्षणों में, इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स, सेकंड कुछ ही सेकंड्स में, इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स। मैटर, मैटर का अर्थ क्या होता है, बात, पदार्थ या मामला। कुछ ही क्षणों में, इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स, एकदम डरा देना। डराने का इंग्लिश में क्या है, स्केयर, स्केयर द हेल आउट ऑफ समवन, एकदम डरा देना। टपाक से खड़े हो जाना, जंप अप, जंप अप या जंप टू वंस फिट। टपाक से खड़े हो जाना। पैसे वसूल होना, गेट वंस मनीज वर्थ। पैसे वसूल होना, गेट वंस मनीज वर्थ, पैसे वसूल होना। वचन देना, गिव, गिव का अर्थ क्या होता है, देना, वचन देना। गिव कीप ब्रेक वंस वर्ड, वचन देना। वचन देना, पूरा करना, तोड़ना, सभी को क्या बोलेंगे, गिव की ब्रेक वंस वर्ड। या तो गिव बोल लीजिए, या कीप बोल लीजिए, या ब्रेक बोल लीजिए, वंस वर्ड, वचन देना, पूरा करना, तोड़ना। अपनी राय में, टू वंस वे ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग का अर्थ होता है सोचना, वे का अर्थ होता है नॉट एट ऑल, रास्ता, राह या पथ। अपनी राय में, टू वंस वे ऑफ थिंकिंग, अपनी राय में। कुल मिलाकर, ऑन द होल, होल का अर्थ होता है ए कंप्लीट, अ कंप्लीट अमाउंट, अ कंप्लीट अमाउंट। ऑन द होल कुल मिलाकर, होल का अर्थ ही क्या होता है, अ कंप्लीट अमाउंट, कुल मिलाकर।
तो यहाँ पर हमने ऑन द हॉल हॉल ऑन द हॉल कुल मिलाकर, बिल्कुल नहीं, इन नो वे, वे का अर्थ होता है रास्ता, राह, पथ, नॉट एट ऑल, इन नो वे, बिल्कुल नहीं। रास्ता भूलना, लूज वंस, रास्ता भूलना, लूज वंस, के तौर पर, बाय वे ऑफ, बाय वे ऑफ, वे का हमने अर्थ बताया था आपको रास्ता, राह या पथ, के तौर पर, बाय वे ऑफ, पलक झपके उतनी देर में, इन द ट्विंकलिंग ऑन एन आईज, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आईज, पलक झपके उतनी देर में। नया अध्याय शुरू करना, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न का अर्थ होता है बेहतर या अधिक जिम्मेदार तरीके से कार्य करना, या कुछ नए कार्य की शुरुआत करते हैं तब हम क्या बोलते हैं, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। जब एक पत्ती की शुरुआत होती है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यू लीफ, टर्न ओवर ए न्यू लीफ, लीफ का अर्थ होता है पत्ती, पेड़ पौधों की पत्ती को हम क्या बोलते हैं, लीफ। टर्न का अर्थ होता है बेहतर या अधिक जिम्मेदार तरीके से कार्य करना। जब एक नई पत्ती आती तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, अच्छी या बेहतर तरीके से उसको बढ़ाते, वृद्धि करते पेड़ की जड़े। तो टर्न ओवर ए न्यू लीफ, नया अध्याय शुरू करना, टर्न ओवर ए न्यू लीफ। टर्न का अर्थ होता है बेहतर या अधिक जिम्मेदारी से कार्य करना, टर्न ओवर ए न्यू लीफ। मुसीबत को दावत देना, मुसीबत को दावत देना या झगड़े में पड़ना, लुक फॉर ट्रबल, ट्रबल का अर्थ होता है मुसीबत या संकट। तो मुसीबत को दावत देना या झगड़े में पड़ना, लुक फॉर ट्रबल। साफ साफ बात करना, टॉक टर्की, टर्की का अर्थ होता है कुछ खुलकर या सीधे चर्चा करना, खुलकर चर्चा करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टर्की। तो साफ साफ बात करना यानी टॉक टर्की, टॉक मतलब बोलना, टर्की मतलब क्या है, मीनिंग कुछ खुलकर बोलना या सीधे बात करना या साफ साफ बात करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे टॉक टर्की। उगते हुए सूरज को प्रणाम करना, अडोर द राइजिंग सन, राइजिंग सन, सन सूर्य, राइजिंग उगना, अडोर द राइजिंग सन। गर्म तवे पर रोटी सेकना, इसको हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं कि लोहा जब गर्म हो तब चोट करें, या जब मौके का फायदा उठाना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्राइक व्हील द आयरन इज हॉट, मौके का फायदा उठाना या अवसर का लाभ लेना, स्ट्राइक व्हील द आयरन इज हॉट, गर्म तवे पर रोटी सेकना। हर संभव प्रयत्न करना, लीव नो स्टोन अनटर्न, हर संभव प्रयत्न करना, लीव नो स्टोन अनटर्न। स्टोन का अर्थ होता है पत्थर, आप पत्थर तोड़ने के लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं, तो उसी से याद रखिए, जब पत्थर तोड़ते हैं तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत करनी पड़ती, तो उससे याद रखिए, लीव नो स्टोन अनटर्न,
हर संभव प्रयत्न करना, विश्वासघात करना, स्टेप इन द बैक, बैक बैक का अर्थ होता है पीछे, विश्वासघात करना यानी स्टेप इन द बैक, शक होना, स्मेल अ रेट, स्मेल अ रेट याद रखना आसान है इसको, स्मेल अ रेट, शक होना, खुशी से उछलना, जंप आउट, जब आप खुश होते हैं तो क्या करते हो आप जंप करते हो, तो जंप से याद रखिए खुशी से उछलना, जंप आउट ऑफ वंस स्किन, खुशी से उछलना, पहली नजर में, एट फर्स्ट साइट ये बहुत ही ज़्यादा यूज में लिया जाता है, पहली नज़र में या पहली मीटिंग में, पहली बार आपने किसी को देखा उसे इम्प्रेस हो गए वो, उसको क्या बोलते हैं एट फर्स्ट साइट, देखते ही पहली नज़र में या पहली बार की मीटिंग में ही इम्प्रेस हो जाना, एट फर्स्ट साइट पहली नज़र में, बहुत ज़्यादा खुश होना, हीवन का अर्थ होता है खुश, बहुत खुश, हीवन का अर्थ क्या होता है वेरी हैप्पी, इन सेवेंथ हीवन बहुत ज़्यादा खुश, फटाफट बिक जाना, सेल लाइक हॉट केक्स, सेल का अर्थ होता है बेचना, लाइक पसंद करना, हॉट गरम, केक केक, फटाफट बिक जाना, सेल लाइक हॉट केक, की तलाश में, इन सर्च ऑफ, आप कुछ गूगल पे सर्च करते हैं तो क्या करते हैं तलाश करते हैं, तलाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर्च, की तलाश में, इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ की तलाश में, हिसाब किताब बराबर करना, सेल क्या होता है बराबर करना, ए स्कोर, स्कोर हिसाब किताब, तो सेटल अ स्कोर हिसाब किताब बराबर करना, किसी भी स्थिति में, एट एनी रेट, किसी भी स्थिति में, एट एनी रेट, घर सर पे उठाना, या घर सर पे उठा लेते हो आप कितनी बार, ठीक है घर पर, तो उसको क्या बोलते हैं राइज द प्रूफ, घर सर पे उठाना, आग में घी डालना, पोर ऑयल ऑन द फ्लेम्स, आग में घी डालना, पोर ऑयल्स ऑन द फ्लेम्स, चने के झाड़ पर चढ़ना, पुट या सेट ऑन अ पेडल्स, चने के झाड़ पर चढ़ना।